कर्नाटक के बहाने शत्रुघ्न सिन्हा का बीजेपी पर तंज। आखिर बीजेपी सांसद ने अपने बयान में कहा क्या है? कर्नाटक में जारी सत्ता के जंग में विरोधियों के निशाने पर आई बीजेपी पर अब अपनों ने भी जुबानी तीर छोड़ने शुरू कर दिए हैं। बिहार के पटना साहिब लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कर्नाटक में चल रहे सियासी घमासान पर न सिर्फ चुटकी ली बल्कि अपनी पार्टी पर तंज भी कसा है। दरअसल बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा से जब मीडिया ने कर्नाटक के मौजूदा हालात पर सवाल किया तो उन्होंने तपाक से जवाब दिया, खामोश। अभी कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए जुगाड़ और दबाव की पॉलिटिक्स चल रही है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि लोकतंत्र के लिए ये कहीं से भी उचित नहीं है। इस दौरान उन्होंने नाम लिए बगैर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की तथाकथित हत्या करते हुए सरकार बनाना कभी भी हास्यास्पद और फजीहत भरा हो सकता है। शत्रुघ्न सिन्हा के मुताबिक जनता खामोशी से चाल, चरित्र और चेहरा देख रही है। बीजेपी से बागी तेवर अपना चुके शत्रुघ्न सिन्हा ने आने वाले चुनाव में बिहार में बड़े सामाजिक और राजनीतिक बदलाव के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जल्द ही लोगों को बिहार में एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तारीफ की और उनसे अपने संबंधों को पारिवारिक बताया। उन्होंने कहा कि राजनीति और पार्टी अपनी जगह है, संबंध अपनी जगह। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी पार्टी और सरकार के खिलाफ हमला बोला हो। इससे पहले भी वो कई मौकों पर जुबानी तीर चला चुके हैं। हाल ही में उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री बन जाने से कोई बुद्धिमान नहीं हो जाता, लेकिन इस बार वो जिस तरह से लालू यादव की तारीफ कर रहे हैं, बिहार में राजनीति और सामाजिक बदलाव की बात कर रहे हैं, उसके सियासी मायने भी निकाले जाने लगे हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।